ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आज बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में शुरू होगा। शुरुआत जूनागढ़ से शोभा यात्रा के साथ होगी। ऊंट श्रृंगार, बाल कतराई, ऊंट नृत्य, मिस मरवण और मिस्टर बिकाना प्रतियोगिताएं होंगी। उत्सव के पहले ही दिन विदेशी और देशी पर्यटकों के लिए रायसर के धोरों पर ऊंट सफारी होगी। रविवार को रामपुरिया हवेलियों से राव बीकाजी की टेकरी तक हेरिटेज वॉक होगी। शाम को करणी सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। देशी विदेशी सैलानी बीकाना पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। शोभा यात्रा सहित कई रंगारंग अहम कार्यक्रम होंगे। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2019 का आगाज आज हो चुका है, जिसमें देशी विदेशी सैलानी मौजूद रहेंगे। शुरुआत शोभा यात्रा से होगी और इसके अलावा आज कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक झलक है नेशनल कैमल फेस्टिवल। तो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर होंगे, लेकिन खास बात है जिस तरह से हर बार आयोजन होता है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का, पूरी दुनिया में ये फेमस है और जब विदेशी सैलानी यहां पर आते हैं तो इस वक्त आना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर राजस्थान में है तो बीकाना जाने का उनका कार्यक्रम बनता ही है इस फेस्टिवल में सम्मिलित होने के लिए। हालांकि कहा जा रहा है इस कार्यक्रम की अगर पूरी रूपरेखा को समझा जाए, शोभा यात्रा से शुरुआत होगी और इसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ऊंट का श्रृंगार होगा और भी कई प्रतियोगिताएं यहां पर रखी जाती हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। और ये एक झलक है बीकानेर से। और चलिए सीधे बीकानेर का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव, उनसे और जानकारी लेते हैं। लक्ष्मण, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2019 का आगाज आज से हो रहा है, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी और इस बार क्या खास नजर आ रहा है हर बार की अपेक्षा? देखिए श्वेता, बिल्कुल 26वां कैमल फेस्टिवल जो है शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बहुत आकर्षण का केंद्र रहता है, एक तरह से कह सकते हैं धोरों पर मानो धमाल होता है। यहाँ सजे धजे रोबीले होते हैं, बैकपाइपर का वादन होता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो वाकई मस्ती के समंदर में सरोबार कर देता है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है बैकपाइपर का जो बैंड है उसका वादन किया जा रहा है। मस्त वादन अधिकारी इस जो है कैमल फेस्टिवल का थोड़ी देर में आगाज करेंगे। इस बार कुछ नए इवेंट्स भी जोड़े गए हैं, मसलन इस बार एक बाइकर्स के साथ प्रदर्शन किया गया है, इस तरह के जो रोबीले हैं वो निकलते हैं, एक तरह से बैठकर उनसे हम बात करते हैं। पूरा उत्साह है कैमल फेस्टिवल को लेकर? बहुत सा उत्साह है इस कैमल फेस्टिवल को लेकर, और पिछले जो लगातार 17 से मैं चलता आ रहा हूँ और जो सरकार है इस सरकार ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है और बीकानेर के लोगों को भी मेरे ऊंट उत्सव की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और बीकानेर के जो युवा है उनको कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति प्रति रुझान बढ़ाएं और इस महोत्सव की शोभा बढ़ाएं। देखिए बिल्कुल, चांदी रो आकाश सोनारी धरती इसो छैल छबीलो महारो राजस्थान, कुछ इसी तरह के एक तरह से कहिएगा सूत्र वाक्यों के साथ जो है यहाँ पर विदेशी सैलानी भी आते हैं और जमकर जो है आनंद लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ विदेशी सैलानियों को भी दिखाएंगे और रंग बिरंगी पोशाकें जो राजस्थान की संस्कृति की आन बान शान की परिचायक है कहीं ना कहीं वो पहने हुए ये लोक कलाकार जो है अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी सैलानी इस में हिस्सा लेते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे किस तरह से जो है आपको यहाँ इसको लेकर लोगों का जो है एकत्र होना शुरू हो गया है। कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी कि किस तरह से जो है इस कैमल फेस्टिवल को लेकर उनके मन में चल रहा है वो हम बात करेंगे। एक मस्क वादक है, कितने साल से आप मस्क वादन कर रहे हैं? 30 साल होगी मेरे को। अच्छा, किस तरह से बजता है, बजा के दिखाइए जरा एक बार। ये सब आवाज से बज रहा है, Yeah.
स्वर लहरी आप सुन पा रहे हैं किस तरह से जो है मस्क वादन होता है यहाँ का लोकवाद यंत्र अपने आप में, और बहुत बेहद खूबसूरत धुने जो है निश्चित तौर पर विदेशी सैलानियों को भी क्लिक के लिए आमंत्रित करते हैं। हाउ यू फीलिंग? I'm Australian. From Australia, we came specially to see the fair. How's what about Camel Festival? We've never been. It is fantastic. Beautiful music, beautiful people, beautiful costumes. We are amazed. It's beautiful. Thank you. Are you enjoying? Very much. We love India very much. तो देखिए श्रोता, we love India और colorful जो है यहाँ का, भले ही desert में colors कम हो, लेकिन यहाँ जिस तरह के color दिख रहे हैं, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति मानो साकार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, राजस्थान की संस्कृति है ये, यही वजह है कि ये जो सैलानी है ये खींचे चले आते हैं, और जब भारत में भ्रमण के लिए आते हैं, घूमने आते हैं, राजस्थान आते हैं, और ऐसे में बीकानेर में आप मौजूद हैं और बीकानेर भी पहुंचे हैं ये कैमल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए। लक्ष्मण, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, वो कैसे नजर आ रही है पिछली बार की अपेक्षा, इस बार किस तरह से बेहतर आप देख पा रहे हैं? और साथ ही जानना चाहेंगे, आपके पीछे बहुत कलरफुल ऊंट थे, उन्हें सजाया गया, उनका खास श्रृंगार किया गया है, वो और क्या कुछ यहाँ पर खास रहेगा कार्यक्रम में? आपने कहा कुछ इवेंट्स भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। निश्चित तौर पर यूं तो 26वां कैमल फेस्टिवल है ये, और बहुत सारी चीजें वही होती हैं, लेकिन कैमल को लेकर जो आकर्षण रहता है, दरअसल नाम कैमल फेस्टिवल है तो आप समझ सकते हैं ऊंट को लेकर बहुत सारा एक तरह से यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। फर कटिंग, यहाँ पर जापान की एक महिला आई हुई है, वो फर कटिंग कर रही है, वो फर कटिंग यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो कैमल डेकोरेशन कॉम्पिटिशन होता है, इन ऊँटों को सजाया जाता है भिन्न भिन्न तरीकों से। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ऊँटों को भी गहने पहनाए गए हैं, अक्सर महिलाओं को गहने में देखते हैं, लेकिन खास बात है पुरुष भी गहने पहने हुए और ऊंट भी। तो ये राजस्थान की संस्कृति की शान एक तरह से कहिएगा, क्योंकि यहाँ भले ही कहते हैं रेगिस्तान में जो है रंग कम होते हैं, लेकिन जो है ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये कहिएगा ये लोक कला है, ये जो है यहाँ के रेगिस्तान में रंग भर देती है। और ये यहाँ जो जितने भी विदेशी सैलानी है या जो दूसरे लोग हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ये बताती है कहीं ना कहीं कि ये जो कलर्स हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। आप देखिए किस तरह जमावड़ा है कैमरा क्लिक करने के लिए, बाकायदा अपने कैमरे के साथ जो है विदेशी सैलानी एक एक अदद जो है बेहतर दृश्य की तलाश में क्लिक करने की कोशिश यहां पर लगातार वे कर रहे हैं। कुछ और स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है इस इवेंट का मजा लेते हैं। कुछ और हमारे साथ जो है विदेशी सैलानी है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कैमल फेस्टिवल? वी थिंक इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस, इट्स वेरी ऑथेंटिक। We'd never heard of it before until this year, and so we came specially to see this camel festival. It's fabulous. We love the colors, we love the pageantry. Thank you. तो कुल मिलाकर देखिए, हर जो विदेशी सैलानी जिससे बात करते हैं वो कलर्स की बात जरूर कर रहे हैं कि वी लव कलर्स। तो ये राजस्थान के रंग हैं जो वाकई लोगों को लुभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, और यही वजह है कि आकर्षित होकर सैलानी, न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लक्ष्मण, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर में आगाज भी हो जाएगा इस फेस्टिवल का, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते